हेलो, वेलकम यू ऑल। तो आज मैं एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन का एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो ये मेरे पास एक एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन है, जिसमें मेरे पास एक रिंग गियर है जिसमें नंबर ऑफ टीथ है 150, जो कि मैश करता है गियर बी से जिसमें नंबर ऑफ टीथ है 25। तो ए और बी की मैशिंग इंटरनल मैशिंग है, बी मैश करता है सी से एक्सटर्नली, तो सी पर नंबर ऑफ टीथ गिवन नहीं है। सी मैश करता है एक्सटर्नली डी से जिसमें नंबर ऑफ टीथ है 40, ठीक है। और डी के सेंटर, डी और ए कंसेंट्रिक हैं, और डी के सेंटर पे आ माउंटेड है जो कि होल्ड करती है सी और बी को, ठीक है। मतलब बी और सी की एक्सिस विद रेस्पेक्ट टू डी एंड ए रिलेटिव मोशन करेंगे, ठीक है। तो ये पूछता है कि जब आर्म के आरपीएम 100 है इन क्लॉकवाइज सेंस, प्लस मतलब क्लॉकवाइज है, साइन कन्वेंशन पॉजिटिव फॉर क्लॉकवाइज। तो ये पूछता है जब आर्म के आरपीएम 100 है इन क्लॉकवाइज सेंस और रिंग गियर दैट इज गियर ए स्टेशनरी है ना, तो जानना चाहता है व्हाट इज द आरपीएम ऑफ आइडियल गियर सी। साथ ही साथ ये भी जानना चाहता है व्हाट इज द नंबर ऑफ टीथ ऑन सी, ठीक है। तो दो वैल्यू मुझे दी हैं, आर्म के आरपीएम दे रखे हैं और ए के आरपीएम दे रखे हैं जो कि जीरो है, स्टेशनरी है। दो वैल्यू इसलिए दी है क्योंकि एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन की डिग्री ऑफ फ्रीडम दो होती है, तो दो इनपुट देगा तब एक आउटपुट आएगा, ठीक है, तब मोशन कंस्ट्रेंट होगा। तो सबसे पहले मैं निकालता हूं नंबर ऑफ टीथ ऑन आइडियल गियर सी। तो कैसे निकालूंगा, मैं यूज करूंगा रेडियस का रिलेशन। तो रेडियस का रिलेशन क्या है, रेडियस ऑफ ए इक्वल्स टू रेडियस ऑफ बी, सॉरी डायमीटर ऑफ बी, रेडियस ऑफ ए इक्वल्स टू डायमीटर ऑफ बी प्लस डायमीटर ऑफ सी प्लस रेडियस ऑफ डी, ठीक है। जैसा कि लास्ट वीडियो में था, जो रिलेशन रेडियस में होता है वही रिलेशन टीथ में भी होता है। तो ये हो जाएगा टी ए इक्वल्स टू 2TB प्लस 2TC प्लस TD, ठीक है। ये वैल्यू कितनी है 150, ये वैल्यू कितनी है 25 और ये वैल्यू कितनी है 40। तो TC यहां से आ जाएगा 30, ठीक है। तो नंबर ऑफ टीथ मैंने निकाल लिए सी पे, दैट इज 30, ठीक है। इसके आप ध्यान दीजिए, नोट करिए इसको, ठीक है, इसको आप नोट करिए। अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा टेबुलर मेथड से। जो NC है आरपीएम ऑफ गियर सी, वो मैं निकालने जा रहा हूं टेबुलर मेथड से, ठीक है। तो आई एम गोइंग टू यूज द टेबुलर मेथड, ठीक है। टेबुलर मेथड में आपको याद रखना है टेबल में उतने कॉलम बनेंगे जितने कि यहां पे नंबर ऑफ कंपोनेंट है। तो सॉरी, जो टेबल में नंबर ऑफ कॉलम होंगे वो नंबर ऑफ कंपोनेंट से एक ज्यादा होगा, ठीक है। तो यहां पे कितने कंपोनेंट है, ए बी सी डी और आर, तो यहां टोटल 5 कंपोनेंट हैं, तो कॉलम 6 बनेंगे, ठीक है। जितने कंपोनेंट होते हैं उससे एक ज्यादा कॉलम बनता है, ठीक है। तो कॉलम, पहला कॉलम मेरा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ठीक है। पहला कॉलम जो है मेरा वो एक्शन के लिए है, पहले कॉलम मेरा एक्शन के लिए है। कोई भी न्यूमेरिकल हो हम एक्शन ऐसे ही लेते हैं, बाकी के कॉलम कंपोनेंट के लिए हैं। तो सपोज मैं स्टार्ट कर रहा हूं डी से, जनरली हम सन गियर से स्टार्ट करते हैं, वैसे आप किसी से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो पहला है मेरा डी, इसके बाद आप, मैं लेता हूं आर्म को, इसके बाद आप ले सकते हैं सी, फिर बी और लास्ट में ए। तो मेरे 5 कंपोनेंट हो गए डी ए बी सी डी और आर, ठीक है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूं एक्शन से। पहला एक्शन मैं क्या लूंगा कि जो मेरा सन गियर है, सन गियर का मतलब डी, ठीक है, ये सन गियर है, बाकी सब प्लैनेट गियर है। तो मैं डी को दे रहा हूं 1 आरपीएम क्लॉकवाइज सेंस, ठीक है। डी घूम रहा है 1 आरपीएम इन क्लॉकवाइज सेंस, ठीक है। रिकॉर्डिंग को देखना पड़ता है एक बार। डी को मैं दे रहा हूं 1 आरपीएम क्लॉकवाइज सेंस, ठीक है। साथ ही साथ जो मेरा आर्म है वो स्टेशनरी है, ये मैंने अज्यूम कर रखा है। तो पहले कॉलम में मैंने क्या लिखा है, आर्म मेरी स्टेशनरी है और डी घूम रहा है 1 रिवॉल्यूशन पर मिनट इन क्लॉकवाइज सेंस, ठीक है। तो डी की मैशिंग किसके साथ है, सी के साथ है। तो एनसी अपॉन एनडी
एनसी अपॉन एनडी क्या हो जाएगा, मैशिंग है एक्सटर्नल तो हो जाएगा टीडी अपॉन टीसी। तो टीडी कितना है माइनस 40 अपॉन 30, तो ये आ जाएगा सी होगा माइनस 4/3। ठीक है, सी होगा माइनस 4/3 मींस अगर ये घूमेगा 1 आरपीएम क्लॉकवाइज सेंस तो ये घूमेगा 4/3 आरपीएम एंटी क्लॉकवाइज सेंस, क्योंकि छोटा गियर भी है, इस पे 40 टीथ है, इस पे 30 टीथ है। ठीक है, बी और छोटा है तो बी और तेज घूमेगा। ठीक है, तो हम इसको जल्दी से देखते हैं। अब देखिए सी तक पहुंच गया हूं, सी मैच करता है बी से और मैशिंग कैसी है एक्सटर्नल, तो एन बी अपॉन एन सी इक्वल्स टू होगा माइनस टी सी अपॉन टी बी। तो माइनस टी सी कितना है 30 और टी बी कितना है 25, और मैं एन सी की वैल्यू पुट करूंगा माइनस 4/3, तो एन बी क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा माइनस 6/5 इंटू 4/3, ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, इट विल बिकम 8/5। ठीक है, और बी की मैशिंग किससे होती है, ए के साथ होती है। तो जल्दी से कैलकुलेशन, कैलकुलेशन सिर्फ एक ही रो में होती है, बाकी में कैलकुलेशन है ही नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है ही। तो मैं करता हूं एन ए, ध्यान से देखिएगा, एन ए अपॉन एन बी, ए और बी की मैशिंग है इंटरनल, तो यहां नेगेटिव साइन अब नहीं आएगा, पॉजिटिव साइन आएगा, क्योंकि अगर ये घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी ये घूमेगा क्लॉकवाइज तो ये भी घूमेगा क्लॉकवाइज, साथ चलेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा टी बी अपॉन टी, जो कि होगा 25 अपॉन 150, दैट इज 1/6। तो एन ए हो जाएगा मेरा 1/6 इंटू दिस वैल्यू 8/5, तो ये हो जाएगा 4/15। चेक करिए आप 4/15, मैं रिकॉर्डिंग चेक करता हूँ एक मिनट, यस चलिए। ठीक है, ये हो गया मेरा पहला कॉलम, इसके बाद आपको कोई भी कैलकुलेशन नहीं करनी है, मैं 2 मिनट में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा। डी के आरपीएम मैंने प्लस 1 से बढ़ा के एक वेरिएबल x इंट्रोड्यूस कर दी। ठीक है, अब d अगले कॉलम अगली रो में d प्लस 1 पे ना होके प्लस x पे आ गया, है ना, तो मैंने बहुत चालाकी से इसमें एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दिया, दैट इज x, और आर्म अब भी स्टेशनरी है, आर्म के आरपीएम 0 है, तो ये हो गया प्लस x। ठीक है, ये हो गया 0, ये हो जाएगा माइनस 4x/3, ये हो जाएगा 8x/5, ये हो जाएगा 4x/15। कोई दिक्कत नहीं है, इसको क्लोज कर लीजिए रुको। अब देखिए लास्ट एक्शन, अभी मैंने x इंट्रोड्यूस किया था, अब मैं इसमें y इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं। तो सन जो सन गियर है d, उसके आरपीएम प्लस x ही है, और मैंने अब आर्म की मोटर को भी ऑन कर दिया, ये हो जाते हैं प्लस y। ठीक है, आर्म जो है वो घूमना स्टार्ट कर देती है प्लस वाई आरपीएम क्लॉकवाइज सेंस में, साइन कन्वेंशन पॉजिटिव फॉर क्लॉकवाइज। तो जैसे ही मैं आर्म की मोटर को ऑन करूंगा, है ना, जैसे ही डी की मोटर अलग है आर्म की मोटर अलग है, तो जैसे ही मैं आर्म की मोटर ऑन करूंगा, बी सी और डी की एक्सिस के बीच में रिलेटिव मोशन शुरू हो जाएगा, है ना, बी और सी, बी सी और डी की जो एक्सिस है ना रिलेटिव मोशन शुरू हो जाएगा, क्योंकि आर्म इनको अपने साथ ले जाएगी। ठीक है, तो हर जगह मेरे आर्म के आरपीएम एडिशनल आ जाएंगे, है ना, क्योंकि जैसे ही आर्म घूमना स्टार्ट करेगी वो अपने आरपीएम को साथ में ऐड करवाएगी, क्योंकि उनको साथ लेके जाएगी अपने, कि जहां जहां आर्म जाएगी वहां वहां बी और सी जाएंगे। तो लास्ट कॉलम में डी के पास प्लस एक्स है और आर्म के पास वाई है, तो यहां हो जाएगा वाई, ये बढ़ जाएगा वाई से वाई प्लस एक्स, ये बढ़ जाएंगे वाई से y माइनस 4x/3, y प्लस 8x/5, और ये हो जाएगा y प्लस 4x/5।
15, ठीक है, ये कहानी बन गई पूरी, है ना, ये टेबल आपकी पूरी हो गई। इसको ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन लगभग सॉल्व हो गया, ठीक है। अब देखिए आपको गिवन क्या है और आपको निकालना क्या है। मुझे फाइंड आउट करना है वेलोसिटी ऑफ सी, सॉरी रिवॉल्यूशन ऑफ सी, ठीक है। गिवन क्या है मुझे, आर्म के रिवॉल्यूशन, ये कॉलम मुझे पता है, मतलब मुझे वाई आर्म घूम रहा है 100 आरपीएम क्लॉकवाइज, मींस ये जो वैल्यू है वाई आर्म के रोटेशन कितने दे रखे हैं, वाई इज इक्वल टू प्लस 100। और क्या दे रखा है, गियर ए स्टेशनरी है, ये जो गियर है ये स्टेशनरी, मतलब वाई प्लस 4x/15, वाई प्लस 4x/15 इक्वल्स टू 0 है, ठीक है, ये स्टेशनरी है। तो वाई कितना है 100, एक्स कितना आ जाएगा, पुट करेंगे तो एक्स आएगा -375, ठीक है, -375। पूछा क्या जा रहा है मुझसे, व्हाट इज द आरपीएम ऑफ सी, टी पूछे थे मैंने निकाल दिए, टी थे 30, है ना। अब क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द आरपीएम ऑफ सी, तो आरपीएम कितना होंगे, वाई माइनस 4x/3, एनसी इज इक्वल टू होगा वाई माइनस 4x/3। तो जब आप वाई और एक्स की वैल्यू को यहां पुट करेंगे तो एनसी मेरा आएगा 600 और साइन होगा पॉजिटिव, मतलब उस वक्त सी घूम रहा होगा 600 आरपीएम इन क्लॉकवाइज से, ठीक है, ये इसका आंसर होगा 600 आरपीएम क्लॉकवाइज। इसको निकालिए तो ये वैल्यू 600 आई, ठीक है। तो ये सॉल्व हो गया आपकी साइक्लिक गियर ट्रेन का न्यूमेरिकल। हर क्वेश्चन में आपको यही टेबल बनानी है, यही वैल्यूज देनी है। पहले आप सन गियर पे 1 आरपीएम अज्यूम करिए, फिर प्लस एक्स करिए, उसके बाद थर्ड में आर्म पे आप आरपीएम अज्यूम कर लीजिएगा। ऐसे ही हर एक क्वेश्चन सॉल्व होता है, बिल्कुल यही प्रोसीजर है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। न्यूमेरिकल कैसा भी हो सॉल्व ऐसे ही होना है, ठीक है। तो इसको आप जल्दी से करिए, ध्यान दीजिए। ओके, थैंक यू।